बाड़मेर जिले के कवास गांव की मूल निवासी प्यारी चौधरी के सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन होने पर बुधवार को थार के वी टीम द्वारा नवचयनित लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी और उनके परिवार का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाड़मेर रावल त्रिभुवन सिंह सक्सेस पॉइंट के गणपत सिंह समेत थार के वीर टीम ने लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी और उनके परिवार का बहुमान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। बाड़मेर जिले की बेटी प्यारी चौधरी ने सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर जिले को गौरवान्वित किया है। बुधवार को महावीर नगर स्थित सक्सेस पॉइंट क्लासेस में टीम थार के वीर और सक्सेस पॉइंट द्वारा लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी को उनके परिजनों के अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान टीम थार के वीर के संरक्षक रावत त्रिभुवन सिंह, संयोजक रघुवीर सिंह तामलोर, प्रेमाराम भादू, प्रोफेसर गणपत सिंह राजपुरोहित ने नवचयनित लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी, उनके पिता कस्तूराराम चौधरी समेत परिवारजनों के साफ और मालाएं पहनाकर बहुमान किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। इस अवसर पर रावत त्रिभुवन सिंह ने कहा कि बाड़मेर की बेटी प्यारी चौधरी ने सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर जिले का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले थार नगरी की कोई बेटी सीधी भारतीय सेना में अधिकारी नहीं बन पाई थी, जिसका जिक्र थार के वीर आयोजन को संबोधित करते हुए मेजर दीपिका राठौड़ ने किया था। उन्होंने कहा कि प्यारी चौधरी ने लेफ्टिनेंट बनकर जिले का ही नहीं पश्चिमी राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो मैं पूरे बाड़मेर की तरफ से बहन प्यारी चौधरी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हम सबके लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारे इस थार रेगिस्तान में इस मालानी की धरा से निकल के एक बेटी फौज में एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करने वाली है। हमारे यहाँ बाड़मेर से बहुत वीर सैनिक हुए, सैनिक यदि मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा हुए पर ऑफिसर्स बहुत कम हुए। सिपाहियों में यदि बात की जाए तो हमारे यहाँ से लेडीज सिपाही भी फौज में खूब है, पर ये पहली मर्तबा है जब एक लेडी को ऑफिसर बनने का मौका मिला है। इसने वो रास्ते खोले हैं कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ कैसे आगे जाके फौज में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी और हम सबके लिए मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाती है, पर ऐसा बहुत कम मर्तबा देखा गया है जब जिसे हम वर्दी वाली नौकरी कहते हैं उसमें जाए। नवचयनित लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी ने जगह जगह हो रहे सम्मान को लेकर थारवासियों का आभार जताया। लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी ने कहा कि बेटियों की शिक्षा में बाड़मेर अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने और बेटों की तरह बेटियों को छूट देकर उन्हें अपने मुकाम तक पहुँचाने की अपील की। साथ ही प्यारी चौधरी ने अपने माता पिता और प्रारंभिक शिक्षा देने वाले ग्रामीण लोक विद्यालय के निदेशक देवाराम जाखड़ को अपनी सफलता का मुख्य सूत्र बताया। भव्य स्वागत दे के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे और ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि मैं पहली बेटी हूँ तो मैं चाहती हूँ ये गिनती रुके ना, मेरे से आगे और लड़कियाँ बढ़ती जाए। इसीलिए सेना में एक्चुअली मेरा तो बैकग्राउंड ही आर्मी बैकग्राउंड है, तो मेरे पापा, मेरे ताऊजी, मेरा सारा ऑलमोस्ट परिवार ही फौज में है, तो मैं चाहती थी बचपन से कि हाँ मेरे को ये इसमें जाना है, क्योंकि सेना एक ऐसी जगह है जहाँ वो बहुत ज़्यादा सेफ है हर चीज़ के लिए, लड़कियों के मामले में कहो या कुछ भी कहो, सोसाइटी की चीज़ों में कहो, तो सेना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा अपनी तरफ से अगर मैं देश में थोड़ा सा भी सहयोग कर पाऊँ देश के उसमें, तो फिर वो अच्छी चीज़ है। यहाँ बेटियाँ तो बढ़ना चाहती है, बेटियाँ हर जगह होती हैं जो अगर पढ़ना चाहती हैं, तो उन्हें मैं सबसे ज़्यादा बड़ा मैसेज उनके परिवार वालों को देना चाहूँगी, इस समाज को देना चाहूँगी जो यहाँ का समाज है, कि वो बेटियों को एक जिले तक ही सीमित ना रखे। अगर उनकी पढ़ाई, उनकी डिग्री यहाँ से ज़्यादा मतलब कि बाहर जाके होना चाहती है, तो उन्हें वो भेजा जाए। इस दौरान प्रोफेसर गणपत सिंह राजपुरोहित ने आगामी समय में बेटियों के लिए सेना से जुड़े कार्यक्रमों और कैरियर गाइडेंस के लिए अभियान चलाने का आश्वासन दिया। वहीं जटिया रायगढ़ समाज के अध्यक्ष एडवोकेट प्रेम प्रकाश और लॉयंस क्लब के रीजनल डायरेक्टर इंद्र पुरोहित ने थार की बेटी की सफलता को ऐतिहासिक बताते हुए लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी और उनके परिजनों को शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में छात्र संघ अध्यक्ष स्वरूपी सुथार, पूर्व उपाध्यक्ष भारती माहेश्वरी, राजू गोस्वामी, भवानी सिंह लखा, गणपत माली, अजीत सिंह चूली सहित टीम थार के वीर से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रेमाराम भादू और धन्यवाद सक्सेस पॉइंट के निदेशक युवराज सिंह राजपुरोहित ने किया।